हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों कतर वीज़ा ओपन हो गया। दोस्तों आपको ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही खुशी भी होगा दोस्तों, और आपको शौक भी लगता होगा कि कैसे ये कतर वीज़ा ओपन हुआ है। हाँ जी दोस्तों, कतर वीज़ा ऑलरेडी ओपन हो गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जो कतर का जो वर्क वीज़ा है ऑलरेडी ओपन है दोस्तों। और आपको ये भी सुनने में आया होगा कहीं पर कि बहुत सारे दोस्त लोग इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से आ रहे हैं कतर। तो दोस्तों ये सही बात है कि अभी भी जो वर्क वीज़ा है ओपन है दोस्तों। और जो वर्क वीज़ा में बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से कतर के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। और आपको वो भी बता दे दोस्तों कि ये जो क्वारंटाइन का रूल है वो फॉलो करके सब आ रहा है दोस्तों। इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, और आपको आज शेयर करने वाला बात और जो जानने वाला बात है दोस्तों आज क्या है कि जो वर्क वीज़ा जो अभी अप्रूव हो रहा है कतर के अंदर दोस्तों, ये वर्क वीज़ा टू टाइप्स का होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है दोस्तों। ये वर्क वीज़ा में अगर आप कतर आते हो तो आप फंस भी सकते हो दोस्तों, और आपको जो एजेंट है आपका वो आपसे ज़्यादा पैसा लेकर के आपको इधर फंसा भी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जानना है कि जो वर्क वीज़ा है दोस्तों, कतर गवर्नमेंट तो अप्रूव कर रहा है वर्क वीज़ा, पर इसमें दो टाइप्स का वीज़ा होता है दोस्तों वर्क वीज़ा। तो आपको यही आज बताने वाला हूँ दोस्तों कि कौन सा वीज़ा में आपको कतर आना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले और ये न्यूज़ बताने से पहले, आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपका दोस्त लोग जो कतर आ रहे हैं, जो कतर आने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग ना फंसे, और वो लोग को भी मालूम हो सके कि एक्चुअल में वर्क वीज़ा कौन सा वर्क वीज़ा में हम कतर आएंगे और जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वर्क वीज़ा टू टाइप्स का होता है। नंबर वन, सिंगल वर्क वीज़ा, उसको बोला जाए तो सिंगल एंट्री वीज़ा। एक है दोस्तों मल्टी एंट्री वीज़ा, और सिंगल और मल्टी दोनों में आपको बता दें दोस्तों। सिंगल एंट्री वीज़ा क्या है दोस्तों कि अगर आप कतर आते हो तो सिर्फ वो 3 महीने के लिए वीज़ा होता है दोस्तों। सपोज आप कतर आ गए, उसके बाद आपके पास उस वीज़ा में 3 महीना टाइम रहेगा दोस्तों, यानी कि आप सिर्फ 3 महीना काम कर सकते हो कतर के अंदर, उसके बाद आपको फिर रिटर्न अपने कंट्री में जाना है। अगर आपका कंपनी इस दौरान NOC देता है, NOC देने के बाद अब अगर आपका कंपनी ID लगा देता है फिर वीज़ा लगा देता है, तो दोस्तों उस टाइम को क्या होता है कि अगर आपका कंपनी जो वीज़ा लगाते हैं उस टाइम आपका कंपनी मल्टी एंट्री में वीज़ा लगाते हैं दोस्तों। इस दौरान दोस्तों कि अगर आपका कंपनी जो दूसरा कंपनी अगर जा रहा है उस कंपनी वीज़ा लगा दिया, तो आप 1 साल तक भी रह सकते हो और आपका ID हर 1 साल चेंज हो सकता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आपका पास मल्टी एंट्री वीज़ा है दोस्तों, उस दौरान आपके पास 1 साल टाइम रहेगा दोस्तों। 1 साल में आप जितने बार जाओ अपने मुल्क जितने बार भी आ सकते हो। तो यही फ़र्क है दोस्तों कि सिंगल एंट्री वीज़ा में आपके पास सिर्फ 3 महीना टाइम रहेगा दोस्तों, 3 महीना से ज़्यादा नहीं। मल्टी एंट्री वीज़ा में क्या है दोस्तों कि आपके पास 1 साल का टाइम है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा में आते हो इधर कतर के अंदर, उस दौरान अगर आपका ID 3 महीना के बाद चेंज हो गया, आपका ID आ गया, तो समझो दोस्तों आप लकी है। अगर आपका ID 3 महीने के अंदर नहीं आया तो दोस्तों आपको अपने मुल्क रिटर्न जाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आते हो आप कतर के अंदर तो आप ज़रूर वीज़ा चेक करें कि आपका वीज़ा कौन सा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है कि डबल एंट्री वीज़ा है दोस्तों, आपको चेक करना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत से दोस्त लोग इधर आके फंस जाता है और उसके 3 महीने के बाद ID नहीं लगता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम नए अपडेट्स लेकर आएंगे दोस्तों। और एक बात और दोस्तों बता दें कि जो अभी जो विजिट वीज़ा है दोस्तों, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और फैमिली वीज़ा अभी तक ओपन नहीं है दोस्तों, और ये अगले महीने शायद ओपन हो सकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।